हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है संत जाम्भेश्वर जी के बारे में, जिन्हें जाम्भो जी भी कहा जाता है। इनके मैं आज आपको मुख्य बातें बताऊंगी जो अधिकांशतः राजस्थान से संबंधित प्रशासनिक सेवाओं के प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। इनका जन्म नागौर परगने के पीपासर गांव में भादोबदी अष्टमी विक्रम संवत 1508-1451 ईस्वी में पवार वंशीय राजपूत ठाकुर लोहट परिवार के यहाँ हुआ। इनका मूल नाम धनराज था। साथरी उस स्थान का नाम है जहाँ पर जम्भोजी अपने उपदेश देते थे। बिश्नोई संप्रदाय विक्रम संवत 1542 में कार्तिक बदी अष्टमी को जाम्भोजी द्वारा संभाथल धोरा नामक स्थान पर इस संप्रदाय की स्थापना की गई, जो 20+9 उपदेशों समाज के उत्थान के लिए 29 नियम बनाए। इसके कारण यह समाज विश्नोई कहलाया। यह संप्रदाय वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने के कारण विशेष लोकप्रिय हुआ। जम्भ संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश, जाम्भ सागर 29 उपदेशों का संग्रह, ये जाम्भोजी के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। पीपासर, मुकाम, लालसर, जाम्भा, जागुल, रामड़ावास, ये सब जाम्भोजी के 6 देवालय हैं। मुकाम में जाम्भोजी ने 1526 ईस्वी में समाधि ली थी। सिकंदर लोधी के बारे में ऐसा माना जाता है कि जाम्भेश्वर जी के प्रभाव के कारण ही उन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। धोक धोरा का क्या संबंध है जाम्भोजी से? गुरु जाम्भोजी द्वारा विश्नोई पंथ की स्थापना संभराथल के ऊंचे टीले पर की गई, जो विश्नोई पंथ में धोक धोरे के नाम से प्रसिद्ध है। संभराथल जाम्भोजी का प्रमुख स्थल माना जाता है। माटो, माटो गुरु जाम्भोजी के सम्मानार्थ बीकानेर के नरेश ने अपने राजकीय झंडे में खेजड़े के वृक्ष को इस रूप में रखा। कथा जैसलमेर की। संत कवि विल्होजी द्वारा लिखित इतिहास प्रसिद्ध कविता, जिसमें ऐसे 6 राजाओं के नामों का पता चलता है जो उनके समकालीन थे और उनकी शरण में आए थे। ये राजा थे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी, नागौर का नवाब मोहम्मद खान नागौरी, मेड़ता का राव दूदा, जैसलमेर का रावल जेत सिंह, जोधपुर का राठौड़ राव सांतल और मेवाड़ का महाराणा सांगा। जम्भ गीता गुरु जाम्भोजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उनकी वाणी। इनके 151 शब्द ही ज्ञात हो पाए हैं जो एक गुटके में संकलित हैं, जिसे जम्भ गीता कहते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी इसे 5वां वेद मानते हैं। यह राजस्थानी भाषा की अनुपम ग्रंथ है। शब्द वाणी गुरु जाम्भोजी के मुख से उच्चरित वाणी शब्द वाणी को दूसरे शब्दों में जम्भ वाणी और गुरु वाणी कहते हैं। जम्भ वाणी कवि परंपरा में इसे वेद वाणी भी कहा जाता है। शब्द वाणी में कुल 123 शब्द हैं। शब्द वाणी का प्रत्येक शब्द मुक्तक कविता की भांति एक स्वतंत्र रचना है। दक्षिण में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात रामानंद जी ने किया था, उसी प्रकार राजस्थान में इनके पहले प्रणेता गुरु जाम्भोजी महाराज थे। इन्होंने पेड़ लगाना और हरे पेड़ ना काटना तथा अन्य प्राणियों को नहीं मारना और न मारने की शिक्षा दी। इस प्रकार वे पर्यावरण आंदोलन के विश्व के पहले प्रणेता बने। जाम्भोजी पर्यावरणीय वैज्ञानिक तथा गूंगा गहला उपनाम से प्रसिद्ध हैं। जाम्भोजी के मेले में प्रकृति प्रेम की झलक दिखाई देती है।
गुरु जाम्भो जी का कार्यक्षेत्र मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान का मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों का क्षेत्र रहा। गुरु जाम्भो जी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल इसे पिलाकर इन्होंने अज्ञानुवृत्ति समुदाय को बिश्नोई पंथ में दीक्षित किया था। गुरु जाम्भो जी ने इस संसार को नाशवान और मिथ्या बताया। इन्होंने इसे गोवलवास यानी अस्थाई निवास कहा। इनके अनुसार यह संसार क्षणभंगुर एवं नश्वर है, जिसको वास्तविक मानना एक भूल है। इसलिए हे भूले हुए प्राणी, विष्णु का जप करो, जिससे मृत्यु और आवागमन से छुटकारा मिल जाए। गुरु जाम्भो जी का मूल मंत्र था, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। विष्णु का अवतार। विष्णुई संप्रदाय में गुरु जाम्भो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके 8 धामों का के बारे में आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहला है पीपासर, यह जाम्भो जी का जन्मस्थल है। मुकाम जो बीकानेर में है, नोखा तहसील में स्थित यह स्थान गुरु जाम्भेश्वर जी का समाधि स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष फागुन और आश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। लालासर बीकानेर में, इस स्थान पर जाम्भो जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष मगसिर वदी कृष्णा नवमी को विशाल मेला लगता है। जाम्भा जोधपुर में फलोदी तहसील में स्थित यह गांव विश्नोई समाज के लिए पुष्कर समान पवित्र तीर्थ है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र की अमावस्या तथा भादवा की पूर्णिमा को मेला लगता है। जागलू बीकानेर में नोखा तहसील में यह स्थान, यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्र अमावस्या और चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। रामड़ावास जोधपुर पिपाड़ के पास इस स्थान पर लोहावट नाम के स्थान पर जाम्भो जी ने अपने उपदेश दिए थे। लोदीपुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले में इस स्थान पर जाम्भो जी अपने भ्रमण के दौरान आए थे। नागौर जिले में रोटो स्थान पर भी उन्होंने अपने उपदेश